हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। रक्षाबंधन खत्म हो गया है, अब जन्माष्टमी आने वाला है एंड फिर उसके बाद बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। बहुत मजा आता है मुझे फेस्टिवल्स में, स्पेशली दिवाली। आई लव दिवाली क्योंकि फेस्टिवल में बहुत मस्ती होता है, यू नो, कुछ चेंज होता है रेगुलर डेज से। आई लव फेस्टिवल्स बट somehow कुछ फेस्टिवल्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। सपोज लाइक होली, बिकॉज उसमें बहुत गंदे होते हैं एंड यू नो आपको बहुत मेहनत लगती है अपना फेस का कलर साफ करने में, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। बट बाकी सब फेस्टिवल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इंडिया में जितने भी फेस्टिवल्स मनाते हैं ना, सब बहुत दिल से मनाते हैं एंड सब लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं उसको। सो अब इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, छुट्टियों का टाइम चल रहा है, 2-3 दिन जो छुट्टी चलता है। सोच रहे हैं थोड़ा सा बाहर घूम आए, यू नो, कुछ चेंज हो जाए थोड़ा सा लाइफ में, तो बाहर भी जाने का प्लान है। तो तब तक मैं आश्री को, अभी क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, आज छुट्टी का दिन है, तो मैं आशवी को बेसन लगा देती हूँ, बिकॉज वो बच्चों की बॉडी में जो एक्स्ट्रा हेयर्स है वो रिमूव करने में हेल्प करता है। फिर बाकी काम भी धीरे धीरे करेंगे। आशवी का काम कंप्लीट हो गया तो उसको मैंने नहला दिया एंड अभी वो सो रही है। तब तक लिए मैं बाहर अभी बालकनी में कभी कभी यू नो आती हूँ वेदर इन्जॉय करने के लिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे अकेले टाइम स्पेंड करना, बहुत मज़ा भी आता है। सो आई लव स्पेंडिंग टाइम विद मी जहाँ पे मैं अकेली हूँ और कोई ना हो। आज वेदर काफ़ी अच्छा हो रखा है। मैं एक सेकेंड आपको दिखाती हूँ। सी सब लोग के घर में झंडा भी लगा हुआ है सीरियल वाइज, तो इंडिपेंडेंस डे की तैयारी है। एक बहुत ही पर्सनल बात मुझे शेयर करना था। आई मीन मैं आप लोग से क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या आप लोग ऐसा फील करते हैं या एक्चुअल में आपके घर में ऐसा होता है? सो मुझे ऐसा फील होता है ना, हम कितना ही वेल एजुकेटेड हो जाए, कितना ही इंडिया ग्रो कर जाए, बट फिर भी वो जो एक थिंकिंग है, नैरो माइंडेड जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेती हूँ, बिकॉज मैंने अपने हस्बैंड के फ्रेंड से भी ये बात सुना, मतलब उनकी वाइफ ये बता रही थी, और प्लस मैंने अपने फ्रेंड्स और मैंने खुद भी लाइक कहीं ना कहीं एग्जैक्टली अपने घर में नहीं बट कहीं पर तो मैंने फील किया है। तो लड़कियों को ऐसे ट्रीट किया जाता है कि आप वैसे तो यू नो जब बाकी काम हो तो हमें ऐसे ही फील कराया जाएगा, नहीं आप घर के मेंबर हो, आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, बट जैसे ही इक्वालिटी का बात आता है, चाहे आप अपने घर में ही क्यों ना देखो, ऐसा आप ज़रूर कहीं ना कहीं फेस किए होंगे कि छोटी से छोटी बात ले लेते हैं। सपोज लाइक खाने पीने का मैटर पे ही ले लेते हैं कि खाना लड़कों को पहले सर्व किया जाता है, लड़के पहले खाना खा ले, फिर यू नो लड़कियों को पूछा जाता है कि नहीं, अगर आपको भूख लगी है तो आप खाना खा सकते हो, या वो नहीं एग्जैक्टली तो ऐसा होता है कि इवन लाइक हमारे मॉम डैड्स को देख लीजिए, जब तक हस्बैंड ना खाना खाए तब तक लड़कियां खाना नहीं खाती है। आई मीन व्हाई, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्यों ऐसा आप लोग बनाते आ रहे हो? उससे ये होता है कि हम लोगों पे ये इम्प्लीमेंट किया जाता है कि नहीं, हम ऐसे फॉलो करते थे तो आप भी ऐसे फॉलो करो। मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट ऐसे यू नो फील होता है कि नहीं नहीं मतलब कुछ मेन ऐसे होते हैं कि नहीं, उनको ये है कि हम पहले खाना खा लें, उन लोगों को सिर्फ अपने खाने से मतलब होता है, उसके बाद वो देखने तक नहीं जाएंगे कि घर में खाना बचा है कि नहीं बचा है। आप लड़कों को नहीं ऐसा फेस करना पड़ा है, बिकॉज आप लोग को हमेशा ये प्रिविलेज मिलता है, चाहे अपना घर हो या चाहे आपका ससुराल हो,
आपको दोनों जगह इम्पोर्टेंस मिलता है, बट हमारे केस में क्या है, हमारे घर में शायद थोड़ा इम्पोर्टेंस मिल भी जाए, मतलब जो माँ बाप थोड़ा सा समझदार हो, जो बेटे और बेटी में डिफरेंस ना करते हो, ठीक है, उनके घर में फिर भी मिल जाए, बट ससुराल में थोड़ा सा कम ही केस होता है कि वैसा ही इक्वल चीज़ें मिले जैसे उसके अपने घर में मिलता था। तो ये वाला चीज़ फेस करना पड़ता है। लड़कों के लिए होता है कि चाहे सब्जी कम नहीं पड़ना चाहिए, चावल हो, दाल हो, कुछ भी हो, नॉर्मल जो भी आपका रेगुलर खाना हो वो उनको कम नहीं पड़ना चाहिए। लड़कियों का क्या है, वो बच्चा कुछ खा लेगी, या लड़कियां अपने काम में इतनी बिजी होती है कि शायद वो खा ना पाए, बिकॉज उनको और भी चीजें देखनी होती है, बच्चों को देखना होता है, तो यूजुअली ये होता है कि वो उस टाइम नहीं खा पाती, बट उनको उनके लिए खाना ऐसे छोड़ा जाता है जैसे वो चिड़िया को दाना दे रहे हैं, या फिर इतना छोड़ के भी एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर, ऐसा फील होता है। आप लोग ये मत सोचिएगा ये मेरा घर का केस है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड अपने बच्चे के साथ रहती हूँ, मेरे घर में तो ऐसा होता है कि हमेशा खाना बचता ही है, बट मैंने कहीं ना कहीं ये फील किया है, किसी और जगह हुआ है बट हुआ है, एंड यूजुअली आई थिंक बाकी लड़कियों के साथ होता भी होगा। मैंने अपने हस्बैंड के फ्रेंड से भी सुना है कि उनको ये होता है कि लड़कों को पहले खाना खिला दें, वो पहले आराम से जितना खाना है अपने पेट के हिसाब से उतना वो खा ले, उसके बाद बाकी रिमेनिंग अगर कम भी पड़ गया कोई बात नहीं है, बहुएं खा लेंगी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये वाला सीन होता है। तो आपको क्या लगता है, ये जो चल रहा है वो सही चल रहा है? सो जिन लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है क्या वो सही हो रहा है? तो क्या होगा ये अगर आप लड़कों के साथ हो, हमारी जगह आप हो, तो आपको कैसा लगेगा? आपको ये ना पूछा जाए आपको क्या पसंद है खाने में या नहीं पसंद है, आपका जितना खाने का क्वांटिटी है आप उतना नहीं ले रहे हो, उससे कम ले रहे हो, बिकॉज घर में खाना ही नहीं बचा बाकी लोग के खाने के बाद। तो कभी आपने सोचा है कि आप लोग के साथ हो ऐसा तो कैसा लगेगा आपको? आपको एक घर में एक पालतू जानवर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दिया जाए तो कैसा फील होगा आपको? आपको क्या लगता है? सो आई थिंक जो भी मॉडर्न गर्ल्स है इसको सपोर्ट नहीं करेगी, ऑब्वियसली हम ही चेंज ला सकते हैं अपने घर में, बिकॉज ये सोचिए हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? इक्वालिटी बहुत सारी चीजों में आज तक वुमेन्स का नहीं है, फिर भी राइट इक्वालिटी के बारे में हम सुनते हैं वो अभी तक चलता आ रहा है, बट फिर भी वो अभी तक आई डोंट थिंक सो हर घर में ये फॉलो किया जाता है, बिकॉज अगर ये फॉलो किया जाता तो घर में इतनी प्रॉब्लम्स ही नहीं होती। तो हम बहुत छोटे से इनिशिएटिव से स्टार्ट करते हैं कि क्यों ना आपके घर के वुमेन को उतना ही आप खाना छोड़ो उसके लिए भी, या उसको अपने साथ में बिठा के खिलाओ, उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस दो, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी बेटी हो, डजेंट मैटर, घर के बूढ़े हो या आई थिंक सबको इक्वल ही इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इतना काफी नहीं है कि घर में जो कमाऊ बंदा है उसका पेट भरना चाहिए, या आपका जो बेटा है या आपकी जो बेटी है या आपके जो भी है, मतलब फर्स्ट रिलेशन में जो भी है उसका पेट भरना चाहिए, बाकी लोग जो घर में हैं उसका भी पेट भरना चाहिए। आई थिंक ये स्टार्ट करना चाहिए हर घर में, जितना भी है, अगर घर में खाना कम ही है तो थोड़ा थोड़ा ही बांट के सब खा सकते हैं। ऐसा स्टार्ट हम अपने घर से करें तो बहुत कुछ चेंज होने लगेगा धीरे धीरे। एंड सिर्फ लड़कों के क्यों, सबको स्पेशल फील करवाते हैं। सो हम रेडी हुए हैं बाहर जाने के लिए, मॉल घूम के आ जाते हैं बगल से, कोई ज़्यादा दूर नहीं जाना है। बहुत ही न्यूट्रल सा मेकअप मैंने रखा है, जैसे ऑफिस में रखा करती थी, मुझे ऑफिस का याद आ गया इससे। इसको देखिए आशी, मामा को कितने बार इसको रेडी करवाना पड़ता है, दो बार रेडी करवा चुकी हूँ, ये तीसरी बार है। दोपहर में तो बारिश हो रहा था, अब देखते हैं, अभी तो बारिश नहीं हो रही है, होपफुली ना हो। सो आशी बेटा, चलो। सो दिस इज लेजर वैली पार्क। आशी से हाय। ब्लैंक हो रखी है बेटा, पिजन आ गए, कितने सारे पिजन्स हैं।
कोई रिएक्शन तो दो। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो व्लॉगिंग कर रहे हैं आई गेस। फाउंटेन अगर चलता तो और अच्छा लगता यार। यस yes, बहुत सुना सुना सा लग रहा है। अदरवाइज बच्चों के लिए काफी अच्छा है। इफ यू कैन सी खेलने वालों बच्चों के लिए भी काफी अच्छा है ये पार्क, है ना? क्योंकि काफी स्पेशियस है, बड़ा है एंड लॉट्स ऑफ ट्रीज, ग्रीनरी। बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी खेल भी रहे। पार्क में ऐसा कुछ है नहीं, आई मीन एक डेढ़ घंटे बस आप स्पेंड कर सकते हो, उससे ज्यादा यू नो बोर हो जाओगे। ये लेकिन एक अच्छा स्पॉट होता है ना पिक्चर क्लिक करने का। ये सामने अच्छा लग रहा है नहीं? ये हाँ, क्योंकि फ्लावर्स है। आई थिंक हम लोग एक घंटे के लिए थे, सो वी आर गोइंग बैक। अब हम वापस निकल रहे हैं। मैंने भुट्टा लिया है वहाँ से, सो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत बच्चे आ गए, अब तो इवनिंग हो गया ना और बच्चे आ गए। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आ गए हैं सुपर स्टोर। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। सेल चल रहा है तो और ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। आशी सो शॉपिंग ख़त्म हो गई है, जल्दी जल्दी करा हमने, तो अब इसके डैडी का वेट कर रहे हैं। काफी ऑफर्स लगे हुए हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पे सारा सामान है। सो आई गेस इट्स अ नाइस डील, बट जरूरी नहीं है डिस्काउंटेड हो तो वो बाकी जगह से यू नो उसका प्राइस कम हो, कंपेयर करना मांगता है, बिकॉज ये ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं मॉल वाले। इतने सारे बिलिंग काउंटर्स हैं बट फिर भी लाइन लगा हुआ है हर जगह। आश्विया जल्दी सो गई है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। पार्क में उसने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया बट उसका एक नैप मिस होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, तो आते ही यू नो उसको सोना भी था तो मैंने खिला के। पार्क में वो बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गई थी तो इसके वजह से उसको जल्दी सोना था। हालांकि पार्क में उसने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, बाकी बच्चों को देख के यू नो खुश भी बहुत थी। ये रबर बैंड मेरे ड्रेस के साथ मैच कर रहा है थोड़ा थोड़ा। सो राइट नाउ मैं अभी अमेजोन पे एक सीरीज देख रही थी क्रैश कोर्स करके, मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लग रहा था बट कुछ कुछ जगह मुझे बोरिंग भी लगा और लगा ज़बरदस्ती खींचा गया है, तो ओवरऑल ठीक ठाक सा है, नॉट टू गुड बट नॉट टू बैड। तो दो तीन एपिसोड मेरा बाकी था, मैं अभी वो कंप्लीट कर लूँगी। और एक चीज़, आश्वी को एक सरप्राइज गिफ्ट आया है उसके भाइयों के तरफ से राखी पे, मैंने अभी तक वो अनबॉक्स नहीं किया है, मैं कल शेयर करूँगी इसका अनबॉक्सिंग। बिकॉज आश्वी सो रही है तो मैंने सोचा कि कल ही उसके सामने ही अनबॉक्स करते हैं, उसका रिएक्शन देखते हैं कैसा लगा। सो उसके कजन्स को उसके साइड से राखी गया था तो आज गिफ्ट उसका डिलीवर हुआ है, तो लेट्स चेक इट आउट टुमारो कि क्या है गिफ्ट में। अगर आपके कुछ सजेशन हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो टिल देन बाय, तड़ा, गुड नाइट।